है, नियुक्ति पत्र के नाम पर एक छलावा है। हम बार बार कहते हैं कि ये नियुक्ति पत्र सारे रोक के रखे हुए थे। एनडीए के समय में सारा वैकेंसी निकली थी, सारा सिस्टम आया था, लेकिन मन में इनको छल था कि भाजपा को जस नहीं जाए, भाजपा के मंत्रियों को जस नहीं जाए, तो सब व्यवस्था को रोक करके रखे। बाद में धीरे धीरे उस समय होता तो उसको एनडीए को जस जाता। क्या हुआ तो है एनडीए के समय में, राजद तो अभी अभी आई है। तो ये जस अपना लेने के लिए ये अपने सामने किसी का जस नहीं होने देना चाहते हैं, किसी का नाम नहीं हो। 10 के बाद पूरी व्यवस्था को रोक लिए। 5 साल आप आरजेडी के साथ चलाए, फिर भाग करके बीजेपी के साथ आए, फिर आरजेडी के साथ गए। ये 12-13 साल में आपने कितना नियुक्ति किया है आप यही लोग को बता दीजिए। नियुक्ति के नाम पर आपके पदाधिकारी कमीशन खोरी कर रहे हैं, और नियुक्ति के नाम पर नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव बिहार के युवाओं के साथ छलावा कर रहे हैं। बिहार विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष विजय कुमार सिन्हा, बता दें आपको कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव आज नियुक्ति पत्र बांट रहे हैं। इसको देखते हुए विजय कुमार सिन्हा ने मोर्चा खोल दिया है बिहार सरकार के खिलाफ। तो वहीं विजय कुमार सिन्हा ने साफ कहा है कि जो बिहार सरकार है, नीतीश कुमार है, तेजस्वी यादव है, बिहार के युवाओं के साथ छलावा कर रहे हैं। तो वहीं देखा जाए तो जब हम साथ थे तब नियुक्ति पत्र नहीं बांटा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने, अपना नाम कमाने के लिए लगातार नियुक्ति पत्र बांट रहे हैं और वहीं दिखावा कर रहे हैं। तो वहीं क्या कुछ कह रहे हैं बिहार विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा, वो सुने आप लोग। नियुक्ति पत्र के नाम पर एक छलावा है। हम बार बार कहते हैं कि ये नियुक्ति पत्र सारे रोक के रखे हुए थे। एनडीए के समय में सारा वैकेंसी निकली थी, सारा सिस्टम आया था, लेकिन मन में इनको छल था कि भाजपा को जस नहीं जाए, भाजपा के मंत्रियों को जस नहीं जाए, तो सब व्यवस्था को रोक करके रखे। बाद में धीरे धीरे उस समय होता तो उसको एनडीए को जस जाता। अब ये अपना जस लेंगे, क्योंकि राजद को तो ये जस मिलेगा नहीं। किया हुआ तो है एनडीए के समय में, राजद तो अभी अभी आई है। तो ये जस अपना लेने के लिए ये अपने सामने किसी का जस नहीं होने देना चाहते हैं, किसी का नाम नहीं हो, कोई उनसे ज़्यादा उठ के चर्चा मनाए, इसके लिए ये सब किए हैं। लेकिन सच्चाई यही है कि ये नियुक्ति के नाम आप 10 के बाद पूरी व्यवस्था को रोक लिए। 5 साल आप आरजेडी के साथ चलाए, फिर भाग करके बीजेपी के साथ आए, फिर आरजेडी के साथ गए। ये 12-13 साल में आपने कितना नियुक्ति किया है आप यही लोग को बता दीजिए, और नहीं किया तो सरकार का हेड आप हैं, क्यों नहीं आपकी जिम्मेवारी तय हो। आधे से अधिक 60% जगह सभी विभाग के अंदर खाली है, आउटसोर्सिंग से जिसमें कमीशन खोरी है, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर जिसमें कि दोहन है बच्चों के साथ, युवाओं के साथ, उसके नाम पर आप काम चला रहे हैं सरकार का। पूरे विभाग की वैकेंसी निकलवाएंगे और कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर, आउटसोर्सिंग पर आप कितने लोगों को रोजगार दे रहे हैं, उसके नाम पर कितना कमीशन खोरी आपके पदाधिकारी कर रहे हैं सरकार की मिली भगत से, ये सब हम लोग खोलेंगे इनका पोल, बताएंगे युवाओं के साथ किस तरह से ये धोखा कर रहे हैं। आज जिस युवा के नाम पर 20,000 रुपया मिलता है उसको 12,000 रुपया देता है, 8,000 रुपया एजेंसी खा जाती है, अनुदान के अनुदान में भी उसी तरह से धांधली भ्रष्टाचार चरम पर है। ये तमाम विषय पर नए साल में नए वातावरण के साथ हम लोग खोलेंगे पोल। तो हमने सुन लिया क्या कुछ कह रहे थे विजय सिन्हा, जिस तरीके से नियुक्ति पत्र बांटा जा रहा है इसको लेकर उन्होंने साफ कहा है कि घुसखोरी हो रही है बिहार सरकार में, जो पदाधिकारी है नीतीश कुमार के वो घुसखोरी करते हैं बहाली के नाम पे, तो वहीं छलावा किया जा रहा है बिहार के युवाओं के साथ। तो क्या कुछ कह रहे थे विजय सिन्हा आपने सुना है, जस जो है वो नहीं मिलता इसलिए जब एनडीए के साथ है तब नियुक्ति पत्र उन्होंने नहीं बांटा। तो वहीं देखा जाए तो जो जस है वो लेने के लिए अभी नियुक्ति पत्र बांट रहे हैं, दिखावा कर रहे हैं, युवाओं के साथ छलावा कर रहे हैं। और भी तमाम खबरों के लिए NBC24 के साथ बने रहे। बहुत बहुत धन्यवाद।